एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा कि हम हमारी इंग्लिश की क्लास में क्लास थर्ड द मैजिक कारपेट की बुक जो हमारी है लेसन नंबर 11 उसका रीड कर रहे थे, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फोक टेल्स का मीनिंग भी बताया था कि फोक टेल्स क्या होते हैं, और हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था, यानी कि इसमें मैंने आपको कहा था टू फोक टेल्स हमें बताई गई हैं, जिसमें से एक हमने फोक टेल अपनी प्रीवियस वीडियो के थ्रू रीड आउट की थी, जो थी द रेसलर हु कुड कैरी अ हिल। आज हम दूसरी फोक टेल रीड आउट करने वाले हैं और जानने वाले हैं। दूसरी फोक टेल है हमारी द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर मीन्स ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, क्लेवर मतलब होता है चलाक, और मिनिस्टर मीन्स मंत्री, यानी कि एक चलाक मंत्री, ये हमारी फोक टेल का नेम है। तो लेट अस बिगिन नाउ। वंस देयर वाज अ किंग कॉल्ड अभीक। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अभीक। ही वॉन्टेड टू रूल ओवर द वर्ल्ड। उसका ये सपना था, वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया पे राज करे। ही फाउट मैनी बैटल्स। उसने बहुत सारी बैटल्स की। बैटल्स का मतलब क्या होता है? युद्ध। ठीक है, जो दो अलग अलग देश या अलग अलग राज्य, जब राजा के ज़माने में अलग अलग राज्य अलग अलग देश जो युद्ध करते थे उनको कहते हैं बैटल्स। उसने बहुत सारे युद्ध किए इसके लिए ताकि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। द किंग्स ही डिफीटेड वर किल्ड। और जो भी राज्य वो जीत जाता था और जिस भी राजा को वो हरा देता था उस राजा को वो मार देता था ताकि वो उसके राज्य पे कब्जा कर सके। किंग अभीक सोल्जर स्टोल मनी एंड फूड। और साथ ही साथ जिस राज्य को वो लोग हराते थे उस राज्य के राजा को मारकर और उसके जो किंग अभीक के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो उस राज्य का पैसा और खाना सब कुछ लूट लिया करते थे। दे सेट फायर टू विलेजेस एंड टाउन्स। और जिस भी राज्य को वो लोग हराते थे उसमें आग लगा देते थे, वहाँ पे जंगलों में, वहाँ पे विलेजेस में आग लगा के पूरी तरह से उस राज्य को बर्बाद कर देते थे। वन ऑफ किंग अभीक्स मिनिस्टर राज वॉन्टेड टू स्टॉप हिम। अब जो हमारे किंग अभीक थे उनके एक मिनिस्टर थे, मंत्री थे राज, जो चाहते थे कि राजा ये सब बंद कर दे, इस तरह से गांवों को लूटना, युद्ध करना, उनको जला के राख कर देना, ये सब बंद कर दे। इफ़ राज आस्क दिस किंग टू स्टॉप द किंग वुड पनिश हिम। लेकिन अगर उनके मंत्री राज उनसे जाके ये बोलते कि आप ये सब बंद कर दीजिए तो राजा उनकी बात नहीं मानते बल्कि उनको पनिश करते, उनको सजा देते। राज हैड टू फाइंड अनदर वे। इसलिए राज को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना जरूरी था जिससे कि राजा को बात भी समझ में आ जाए और उसको डायरेक्टली जाके बोलना भी ना पड़े। वन डे राज सेड टू द किंग। एक दिन की बात है, राज ने किंग से कहा, योर मैजेस्टी अ वुमन लिविंग नियर द नर्मदा रिवर नोज द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, आई वॉन्ट टू लर्न इट। वो बोलता है, महाराज नर्मदा नदी के पास एक औरत रहती है जो कि बर्ड्स की लैंग्वेज जानती है, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनकी लैंग्वेज जानती है, तो मैं जाके उनसे वो लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ ताकि मैं भी बर्ड्स की भाषा को समझ सकूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं और उनसे बात कर सकूँ। द किंग सेड, एक्सीलेंट, दैट वुड बी वेरी यूजफुल राज, यू मे गो। राजा कहते हैं, एक्सीलेंट, तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत काम आएगा अगर तुम्हें पक्षियों की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो, तुम जा सकते हो। राज लेफ्ट, राज चला जाता है। ही हैड लाइड टू द किंग। उसने किंग से लाई, यानी कि झूठ बोला था। नो वन न्यू द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स की लैंग्वेज बर्ड्स के अलावा किसी को नहीं पता होती है। ही स्पेंट अ फ्यू मंथ्स एट होम। वो कुछ महीने अपने घर जाके वहाँ पे आराम से रहा क्योंकि वो झूठ बोल के गया था। व्हेन ही रिटर्न टू द कोर्ट, फिर वो राजा के दरबार में कुछ महीनों बाद वापस आया। किंग अभीक सेड, जैसे ही वो दरबार में वापस आए मिनिस्टर जो थे राज, किंग अभीक ने कहा, वेलकम मिनिस्टर, स्वागत है तुम्हारा, कैन यू टॉक लाइक अ बर्ड नाउ, हा हा हा, क्या तुम एक बर्ड की तरह बात कर सकते हो अब। राज रिप्लाइड, राज बोलता है, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी योर मैजेस्टी, मेरा वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आई कैन नॉट टॉक लाइक बर्ड, मैं पक्षियों की तरह बात नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट बर्ड्स से टू ईच अदर। वो बोलता है कि मैं पक्षियों की तरह बोल नहीं सकता हूँ लेकिन पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं उनकी बात समझ सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। द किंग वॉन्टेड टू टेस्ट राज। तो किंग ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मंत्री राज को टेस्ट करूँ, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेके देखूँ। ही सेड, कम विद मी टू द गार्डन। उसने कहा, किंग ने कहा, चलो मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो। द किंग एंड राज रीच द गार्डन। किंग जो है राज के साथ दोनों गार्डन में पहुँच गए।
दिस सॉ मैनी बर्ड्स, उन लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे। द किंग पॉइंटेड टू द टू क्रोज एंड सेड, किंग ने देखा कि दो क्रो आपस में बात कर रहे हैं और बैठे हुए हैं साथ में, तो किंग ने उन दोनों क्रो यानी कि कौवे जो होते हैं उनकी तरफ इशारा किया और कहा राज से, टेल मी वॉट दोज क्रोज आर सेइंग टू ईच अदर, राज से कहा कि तुम तो पक्षियों की भाषा समझते हो ना कि वो क्या बोल रहे थे, तुम मुझे बताओ वो दोनों के दोनों क्रो आपस में क्या बात कर रहे हैं। राज लिसन टू द क्रोज फॉर अ फ्यू मिनट, राज ने कुछ देर तक ऐसे एक्टिंग की जैसे वो क्रोज की बात को सुन रहा है ध्यान से। देन ही सेड, उसके बाद राज ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दीज क्रोज आर फ्रेंड, ये दोनों क्रो जो है आपस में फ्रेंड्स है, दोस्त है। द क्रो टू द राइट इज फ्रॉम आवर किंगडम, वो कौआ वो क्रो जो राइट में बैठा है वो हमारे राज्य का कौआ है। द वन ऑन द लेफ्ट इज फ्रॉम अ किंगडम फार अवे, और जो दूसरा क्रो बैठा है वो हम दूसरे किंगडम का दूसरे राज्य का क्रो है। दे वॉन्ट टू गिव दिवाली गिफ्ट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को दिवाली का तोहफा देना चाहते हैं। द क्रो फ्रॉम अदर किंगडम इज सॉरी, जो दूसरे किंगडम का यानी दूसरे राज्य का क्रो है वो माफ़ी मांग रहा है हमारे राज्य के क्रो से। ऑल ही हैज़ टू गिव एज अ गिफ्ट इज अ पीस ऑफ ब्रेड, वो माफ़ी क्यों मांग रहा है, वो सॉरी क्यों है, क्योंकि वो दिवाली के गिफ्ट में अपने फ्रेंड को जो गिफ्ट दे सकता है वो सिर्फ एक ब्रेड का पीस दे सकता है, रोटी का टुकड़ा दे सकता है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है। द क्रो फ्रॉम आवर किंगडम इज प्रेजिंग यू, लेकिन जो हमारे राज्य का क्रो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज यानी कि आपकी बहुत बढ़ाई कर रहा है दूसरे वाले से। ही सेज दैट ही कैन गिव 100 बर्निंग विलेजेस, ही इज़ लाफिंग एट हिज फ्रेंड, हमारे राज्य का जो क्रो है वो दूसरे वाले क्रो को कह रहा है कि वो उसे गिफ्ट में लगभग 100 जलते हुए गांव दे सकता है और वो उसका मजाक उड़ा के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। किंग अभीक फेल्ट अशेम्ड, किंग अभीक को शर्म थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई ये सब सुन के कि हमारे राज्य का कौआ जो है वो दूसरे राज्य के कौए का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है, एक तरह से मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैं तुम्हें दिवाली गिफ्ट में 100 जलते हुए गांव दे सकता हूँ, उसके ऊपर हंस रहा है। देन ही सेड, उसके बाद किंग ने कहा, आई हैव बीन क्रूअल, मैं बहुत क्रूर था, मैं बहुत बुरा था, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर द पीपल ऑफ दिस किंगडम, अब से मैं इस राज्य में जितने भी लोग हैं हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखूंगा। आई विल नॉट फाइट बैटल्स अगेन, मैं दोबारा कभी युद्ध नहीं करूंगा बिना वजह, अनलेस समवन अटैक्स आवर किंगडम, जब तक कोई हमारे राज्य पे हमला नहीं करता मैं बिना वजह किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। आई विल नॉट बर्न विलेजेस और किल पीपल, मैं ना तो जंगलों को ना ही गाँव को जलाऊंगा और ना ही लोगों की हत्या करवाऊंगा या करूंगा। राज चीयर्ड, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग अभीक, राज जो था फिर मंत्री जो था वो चीयर यानी कि जोर जोर से चिल्लाने लगा राजा के सपोर्ट में कि किंग मतलब राजा जिंदाबाद हमेशा बढ़े आगे बढ़े हजारों साल जिए, इस तरह से राजा को चीयर करने लगा। तो ये हमारी दूसरी फोक टेल थी, छोटी सी फोक टेल जिसका नाम था क्लेवर मिनिस्टर, किस तरह से जो मिनिस्टर राज थे उन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से बिना किंग अभीक को डायरेक्टली नहीं कहा बल्कि किस तरह से इनडायरेक्टली उनको ये बात समझाई कि युद्ध करना और लोगों को मारना विलेजेस को जलाना ये गलत है, इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी, छोटा सा हमारा फोक टेल था, होप कि आप लोगों को इससे कुछ सीख भी मिली होगी, ये स्टोरी करके मज़ा भी आया होगा और समझ भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।